असी तुहानू हुण तक बहुत टाइम दिता कि शायद तुसी प्यार नाल समझ जाओ, पर नहीं। हुण मैनू पता है कि अगे की करना है पापा जी। तुहानू शायद मल्होत्रा दी पावर दा आइडिया नहीं है। साडी ईगो नू हर्ट ना करो तो चंगा होएगा। साडे ते इह धमकियां बेअसर है, असी इह सब सुन सुन के वड्डे होए। ਤਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਹਿਜ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਬੀਰ ਦਾ ਹੱਕ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਕੱਟਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਸਹਿਜ? ਇੱਕ ਹੈ ਵੀਰਾ, नाम तो सुनिया ही होएगा ना। वीर जी, हेलो। एक काम है। हाँ जी वीर जी, हुक्म करो। चाहे कुछ भी करना पे, वो सहज ते कबीर ना करो बार करना है। क्यों है वीर जी? नहीं होया कुछ नहीं है, बस मैं उन्होंने होर अपने घर से बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहे जो मर्जी कर, चंगा बुरा सही गलत कोई मायने नहीं रखता, बस उन्होंने ना करो चुपके बार सुट। समझ गया? ठीक है वीर जी, पर अगे तो हमेशा तुसी कल्याणी का साथ देंदे हो। घर के हर मैंबर नूं इतराज़ है उन्होंने घर रहन, पर तुसी साडी गल सुणदे नहीं। अज अचानक इहो जिहा की होया कि तुसी इह कह रहे हो? अशोक, मैं जो कह रहा ना कर, इस दे उत्ते किंतु परंतु करके ना मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं 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 वीर जी, मैं करदा कुछ। सहज, वीरा दा नाम लैके मैनूं डराण दी कोशिश कर रही है ना तू? चलो देखते हैं, वीरा दी औकात वड्डी है या फिर मल्होत्रा दा रुतबा। जे असी अपनी आए तो आए ना, वो हाल करांगे। तू ते तेरा कबीर लभन तो भी मिलोगे नहीं किसे। मिंटी ने डीके नो आइडेंटिफाई किया है। किस किडनैपिंग केस च विक्रम इनवॉल्व है? जे है तो इन्हों का कनैक्शन साबित करने ना सानू बहुत स्ट्रोंग प्रूफ चाहिए होगा। मैं वो किडनैपर नू देखिया सी। सुमन जी भी हले तक हॉस्पिटल च ने। उन्होंने वूमेन ट्रैफिकर का फेस वेख्या। यो विक्रम, उन्हां दा होश जाना साडे लई बहुत जरूरी है। ओही साडी लास्ट होप है। एक बैड न्यूज़ है मैम। की होया? वो जो लेडी विटनेस सी हॉस्पिटल च। की होया उन्हूं? बोल नवीन। उहदे ते अटैक हो गया मैम। चलो फाइनली वो लेडी मर गई है तो मैं सेफ हाँ। राणे ने ना इस काम की शाबाशी देनी तो बनती है। फाइनली मेरा रास्ता साफ कर दिता उन्हें। सॉरी,
ਮਹਿਰ ਤੂੰ ਆਮ ਸੌਰੀ ਵਿਕਰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ मैं अक्सर ही गुस्से दे विच अपना नुकसान कर बैठती हूँ कदे भी डिगूंगी तो तुसी मैनू ऐदां ही संभालोगे ना ऑलवेज आर यू ओके या आई एम ओके विक्रम मैं तुहानू फ्लावर्स दिते सॉरी लैटर दिता ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚੋਇਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਓਕੇ ਤੂੰ ਨਾ ਵੇਟ ਕਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵਿਕਰਮ ਮਹਿਰ ਸੋਰੀ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਕਨੈਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਲੇਡੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਮਾ 'ਚ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਪਲਾਨ ਸੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਦੇਹੇ ਸ਼ਿਵਾ ਪਰ ਮੋਹ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਟਰੂ ਨਾ ਡਰੂ ਅਰਸੋ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੂ ਵਿਕਰਮ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅੱਜ ਸਹਿਜ ਇਹ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੱਕ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਕਅਪ ਦਾ ਫੋਨ ਸਹਿਜ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਪਿਕਅਪ कुछ बोल क्यों नहीं रही बोल सहज कुछ तो बोल कि मेरा शक यकीन च बदल जाए से समथिंग सहज हेलो कौन बोल रहे हेलो कोई आवाज ही नहीं आ रही लगता क्रैंक कॉल है सहज कितने जा रही है तेरे को मैं क्या ना मैं तो दूर ना जाएगा मैं तो तेरी दूरी बर्दाश्त नहीं होती इश्क मेरे नू परवान कर लो जी मैनू अपने दिल का मेहमान कर लो जी बस बस आई हक तो चाहिए सी मैनू सहज आई लव यू सो मच मैनू तो यकीन ही नहीं हो रहा कि 7 साल तो तू मेरी गर्लफ्रेंड सी ते हुण मेरी वाइफ आई प्रोमिस यू सहज कि आपां दोनों हमेशा इदां ही रहांगे आई लव यू सहज आई लव यू सो मच
शुक्र कॉल कर दिता ने। की ड्रामा ला रखा सी ते की बोली जा रहा सी? ये कोई ड्रामा नहीं, मैं तेनू मेहर दे जाल तो बचा रहा सी। केड़ा जाल? वीरा जी तुसी इन्ने वड्डे वड्डे केस सॉल्व किए ने, इन्ने क्रिमिनल्स नाल डील किया है, फिर जो रिश्तियां की गल आती है तो फिर तुहाडा थॉट प्रोसैस इन्ना स्लो क्यों हो जाता है? की कह रहे हैं, सीधा सीधा बोलना। सीधी सीधी गल है कि ये कॉल विक्रम नहीं कर सकता। पर आई तो कॉल ओदे फोन तो सी, फिर जे वो नहीं कर रहे फिर? ऑलरेडी तेरे ते विक्रम दे कॉल करके घर च इन्ना वड्डा तमाशा होया, तेनू लगता है कि विक्रम तेनू अद्धी रात नू फोन करेगा? तो फिर ये कॉल? आई एम श्योर कि ये कॉल मेहर ने की है। की मेहर? अखा बंद कर अपनी। ओके नाउ ओपन इट। हाउ इज इट? ब्यूटीफुल। क्यों है तेनू इन्ना पसीना क्यों आ रहा? गिफ्ट पसंद नहीं है? नहीं नहीं, यह कुछ नहीं है, यह कोई गल नहीं है। यह मेरी लाइफ का सब तो बेस्ट गिफ्ट है, मैं बहुत खुश हूँ। तू मैनू ठीक नहीं लग रही, तेरी तबीयत ठीक है? हाँ आई एम ओके, मैं होने आनी हूँ। मेहर वेयर यू गोइंग? एटलीस्ट नेकलेस तो ट्राई कर ला। नहीं करती हूँ। बच गई, जे कितने एक सेकंड भी लेट हुई होती तो फस जाना सी मैं। आई एम श्योर कि ये कॉल मेहर कर रही सी। मेहर कर रही सी फोन? उन्हें विक्रम दे फोन तो तेनू फोन किया। एक्चुअली मेहर तेरे ते विक्रम का सच जानना चाहती है। एक गल दस, जब तेनू फोन आया तो पिछों कोई आवाज आ रही सी? नहीं कोई आवाज तो नहीं आई। तेरा मतलब मेरा शक सही सी, ये कॉल मेहरी कर रही सी। मैं अपनी पूरी जिंदगी च एक गलती की है ते वो सच मेरे गल की हड्डी बन गया। एक सच नु छुपाने लिए पता नहीं किन्ने पापड़ बेलने पै रहे ने। मैं थक चुकी है सब कर करके, पता नहीं ये प्रॉब्लम किवें सॉल्व होएगी। जे कुछ बोला तो प्रॉब्लम, जे ना बोला ता प्रॉब्लम। सहज इस टाइम तेरा चुप रहना ही ठीक है। जे मैं चुप होगी ना कबीर तो मैं गलत हो जावांगी। मैं कुछ गलत नहीं किया कबीर, गलत उस विक्रम ने किया। मैं तो कॉलेज तो बाद कदे उन्हें मिली भी नहीं। शायद तेनू ना एक गल समझ नहीं पेगी कि इस दुनिया के हर कोई तेरे वर्गा नहीं। वो मेहर तेरी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती, वो तेरे बारे गलत सोचती है, गलत बोलती है, तो हमेशा यही करती रहेगी। उसका मकसद ना सिर्फ तेनू बदनाम करना है, तो वो विक्रम वो तो उदे तेरी जिंदगी तबाह करन ते लगा होया। आई नो कि विक्रम ने तेनू चीट किया, पर एदे च तेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती ओदी है। इत्थे किसे च इन्नी हिम्मत नहीं है कि तेरे वांग डट के सच का सामना कर सके। तू बस ये देख कि विक्रम ते मेहर वर्गे बंदियां दे नाल डील किवें करना है। थैंक यू कबीर, मैनू जान के बहुत खुशी हुई कि तू मैनू किन्ने चंगे तरीके नाल समझांदा है। नहीं कोई थैंक यू नहीं,
तू आज तो बाद मैनू थैंक यू नहीं बोलेंगी। कबीर इस दिन अचानक क्यों हो गया? क्योंकि हुन तू मैनू थैंक यू नहीं आई लव यू बोलेंगी। अच्छा उन्हें बोल दिया तेनू आई लव यू। रुक सिमी तू मैनू क्यों नहीं दस्या कि सहज विक्रम नू कॉल कर रही सी इस करके उन्हां दे कच लड़ाई हो रही है? मम्मी ऐदा दी कोई गल नहीं है जे मैं तुहानू इस गल बारे दसदी ना तां हंगामा होर वध जाना सी नाले तुसी जे गल नू वधाओगे ना तां दी ते जीजू दी बदनामी होएगी। मैनू ना महर ना मतलब है महर मेरी धी है उहनू तां कुछ नहीं होएगा ना रह गई गल सहज दी ते उह मेरी धी नहीं हैगी ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਾ ਸਹੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹਿਰ ਦੀ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ 'ਚ ਸਹਿਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ ਸਿੰਮੀ ਆਪਣੀ ਸਗੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸੁਤੇਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਦਿਨ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੰਮੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਮੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਮਹਿਰ ਦੀ ਦੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। मम्मी प्लीज। हेलो सत श्री अकाल भैन जी। नमस्ते जी। तुसी सुनाओ की हाल चाल ने तुहाडे? भैन जी जिदे ती ते जवाई पग फेरे लई करन आए हुण ओह किवें ठीक हो सकदी है? मैनूं इक गल दसो पहले इसे जो ते की कर रही है हुण तक ते इहने इत्थों चले जाणा चाहीदा सी ना। इस गल दा जवाब मैं क्यों देवां? सहज तुहाडी ती है ना ते तुहाडा फर्ज बनदा है कि तुसी उहनूं इत्थों लै के जाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲਿਆਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਕਦੋਂ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਹਦਾ ਕਾਲ ਆਂਟੀ ਜੀ? ਸਹਿਜ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਲੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ ਆਮ ਸੋਰੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿਓ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੀਤਲ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਓ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਹਿਜ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ ਨਹੀਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮਹਿਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਘਸੀਟ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ।